कितने नंबर आए वहाँ? हाँ मैदान में फोटो भेज रहा हूँ, अभी 2 मिनट में भेज रहा हूँ। 30 नंबर लास्ट, 30 नंबर हाथ ऊपर कर, 30 नंबर आता हूँ भाई, भाई 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 एक मिनट, फोन आता तो फौरन आ जाने का, फोन आने के बाद तुरंत आने बीच में अब नहीं बोलोगे मैं मत पे। आप पटेल साहब, ये जो अभी भीड़ लगी हुई है ये कहाँ के लिए लगी है? ये अभी भीड़ जो है ये यूपी जाने के लिए ट्रेन प्रशासन ने उपलब्ध करी है, अपने मुमरा में जो यूपी के जो फंसे हुए जो मजदूर लोग हैं उनके लिए यहाँ से ट्रेन से जाने का प्रबंध किया जा रहा है। यहाँ से उनको थाना स्टेशन भेजा जाएगा, वहाँ पे उनको टिकट मिलेगा, ये पूरा मुफ्त है प्रशासन को और सारे पूरा मुफ्त है सुविधा है, और वहाँ पे जाके उनको फिर यूपी में जाने के लिए ट्रेन का जो टिकट है वो भी फ्री दिया गया है। हाँ पूरा मुफ्त है, कोई चार्जेबल। कितनी ट्रेनें जाने वाली हैं आज? आज तो फिलहाल एक ही ट्रेन है, इसके बाद भी आप लोग भेजेंगे? अभी तक कुछ वैसे ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है, जैसे कोई ऑर्डर आएगा, जैसे कोई सूचना आएगी वैसे हम इत्तला की जाती है। वैसे इससे पहले भी आप लोगों ने जो है बहुत से मजदूरों को भेजा है, तो अब तक आप लोग ने मुमरा पुलिस ने कितने मजदूरों को गाँव भेजने की तैयारी कर चुके हैं? अंदाजे यहाँ से अभी अपन ने 14,000 लोग तो भी भेजे, 14,000 के करीब लोग अपन ने यहाँ से आउट ऑफ जो है स्टेट भेज दिए, वहाँ में यूपी बिहार कर्नाटक ऐसे बहुत सारे स्टेट है। पर डे एक ट्रेन में आप लोग मुमरा से कितने लोग भेज रहे? जैसे रिक्वायरमेंट आती है, कभी 1,000 लोग, कभी 1,400, कभी 600, कभी 700, जैसे ऊपर से रिक्वायरमेंट आती है। आज की क्या रिक्वायरमेंट है? आज की करीबन 600 की है, 600 लोगों की है। तो ये थे हमारे उप निरीक्षक पाटिल साहब, जिन्होंने बताया कि जो है इन्होंने जब से ट्रेनों का सिलसिला शुरू हुआ है तब से इन्होंने 14,000 लोगों को यूपी बिहार की ट्रेनों में बिठा चुके हैं, और आज जो है ये सिर्फ 600 लोगों को यहाँ से गांव के लिए भेजेंगे। अब देखते हैं किसका लक साथ देता है जो आज उन 600 लोगों की गिनती में शामिल होंगे। कैमरामैन आदिल मंजूर खान के साथ समीर सैयद, नजर इंडिया न्यूज।